ओके मैम। अब बताइए राजपाल जी आगे। दूसरा एक बहस, इन्होंने कहा कि जितने भी असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, जितनी भी पोजीशन है उनके लिए भी हम जो है एंट्रेंस इसका जो है स्क्रूटनी करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। इसको भी हमने अपोज किया कि सब इंटरव्यू के थ्रू हो गया ना, वाले लोग हैं वो सब निकल जाएंगे, सेम प्रॉब्लम है। असिस्टेंट लाइब्रेरियंस इन डिफरेंट पोजीशंस, उसके लिए भी हमने अपोज किया है और अपना डिसीजन दिया है उस चीज के लिए। दूसरा जो है पीएचडी की फीस, इन्होंने 2500 रुपए बढ़ा दी है, तो हमने कहा ये तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा 2500 रुपए एकदम बढ़ाना। 2500 रुपीज पीएचडी फीस बढ़ा दी इन्होंने पीएचडी के लिए, हमने इसके लिए भी अपना डिसीजन दिया है। और दूसरा एक कंपनी ये लोग बना रहे थे फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी करके, जो कि हमारे हिसाब से यूनिवर्सिटी को बेचने का प्लान है अल्टीमेटली। इसे प्रॉफिटेबल कंपनी, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई वो जो कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्यूटोरियल ले सकती है, टेस्ट करवा सकती है, ट्यूशन सेंटर खोल सकती है, इंस्टीट्यूशन बना सकती है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसके हिसाब से हम दिल्ली से बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं हमें दिल्ली से बाहर कोई सेंटर खोलना किसी तरह का। और उस कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा ACEC का, तो हमने उसको बिल्कुल अपोज किया है कि ये तो यूनिवर्सिटी को बेचने का जो है प्रोग्राम है, इसको हमने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने विड्रॉ कर दिया है सर? जी, हाँ उसको विड्रॉ किया है। ये फ्रेंड्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहा गया, हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें जो कि हम आपको बताएंगे अगली बार, तो आप ठीक करें ये गलत है, इसमें कुछ चेंजेस दे अग्रीड, अगली बार हम ठीक करके लाएंगे, इस बार भी ड्रॉप कर दिया हूं उसको। अच्छा ओके थैंक यू। दूसरा जो ट्यूटोरियल्स के लिए जो था वो बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगी कि वो कितने आवर का था और कितना हम चाह रहे थे, उसको भी हमने अपोज किया है कि भी इतना हम एग्री नहीं करेंगे कि जो क्लास का स्ट्रेंथ है। ये ट्यूटोरियल साइज 30 रख रहे हैं जबकि हमारा कहना था कि ये 10 या 15 मैक्सिमम होना चाहिए, क्लास साइजेस कम, इससे एक तो वर्कलोड भी प्रभाव जो पड़ना है पड़ेगा, और ट्यूटोरियल का साइज इतना बड़ा करने से जस्ट लाइक ए क्लासरूम, तो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं, स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। ट्यूटोरियल में 30 स्टूडेंट बैठ के क्या किस तरह से मतलब उसे इनफॉर्मल बात हो सकती है, उनको ठीक से गाइड नहीं किया सकता। ट्यूटोरियल का बेसिक पर्पस तो है कि 10 से 15 बच्चे आए क्लास में और उससे टीचर और टीचर स्टूडेंट्स में एक दूसरे तरह का कनेक्शन होता है, तो इसलिए हमने उस पर भी डिसीजन दिया है AC में उस पर। और एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट और कॉलेज दोनों के लिए है बेसिकली, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट हो रहा है 40 आवर्स ये वर्कलोड बनाने के लिए कह रहे थे, उसका कुछ दुख नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं वो तो कितने घंटे अपना डिवोट करते हैं पढ़ाई में और इसमें, तो एक तरह से बांधना था, तो उसमें भी हमने डिसीजन दिया। हेलो राजेश सर, कैन यू सेंड द डिसीजन नोट्स टू अस? कौन सा? जो भी डिसेंट नोट उन्होंने सबमिट किया होगा। हाँ वो मैं लेके भेज दूंगा। और डबल डिग्री पे भी दीदी बता दीजिए ना, डबल डिग्री पे क्या रहा जो स्टूडेंट्स को डबल डिग्री पे अलाउड कर रहे हैं? डबल डिग्री को हमने अपोज किया और बोला कि इसको आप पास करोगे तो हमारा डिसेंट है, उन्होंने कहा कि ये अभी हम नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे। और ये जो दो टीचर्स जो डेपुटेशन पे आए हैं उनके बारे में बता दीजिए ना, जो आपने बोला। उनके बारे में तो हमने बोला लेकिन फिर वो उनका भी हमने रेस किया कि ये दो टीचर जो हैं वो डेपुटेशन पे आ रहे हैं, डेपुटेशन के जो प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो नहीं किया गया है, और एक जगह तो वो सीट भी नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी में लाया गया है जबकि वहाँ अनरिजर्व यही नहीं, ये तो हमने बोला लेकिन उस पर कोई ऐसा डिसीजन नहीं, ये रिपोर्टिंग आइटम में करके लाए। मैम वाज देयर एनी डिस्कशन ऑन द हेफा लोन? आई कुडंट गेट यू, प्लीज कुड यू रिपीट?
ये फाइनेंस कमिटी ने जो हीफा का लोन लेना था उसको भी रेकमेंड किया था, उसको एक्चुअली वो थोड़ा सा यस हीफा का जो लोन लिया है उसमें दे हैड टू सबमिट द रिवाइज्ड एस्टीमेट, क्योंकि वो 1000 से ऊपर में उसकी दिक्कत हो जाती, तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हीफा के लिए, तो ही दे वेंट अहेड ना विद हीफा। फिर हमने आईओई के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, वो सब रिपोर्टिंग आइटम था इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में, तो उसमें अभी कुछ कॉन्क्रीट चीज हुआ नहीं। मैम आप डबल डिग्री का कह रहे थे, इसमें लास्ट क्या रहा मतलब? ट्रस्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट नाउ, ठीक है अभी नहीं, उसको इस पे कुछ नहीं डिसीजन, वो मतलब लाया था एजेंडा में, हमने अगर उसमें डाइसेंट ही दिया कि यदि आप इम्प्लीमेंट करें तो उसमें हमारा डाइसेंट है, तो दे सेट की नहीं, आई विल वेट एंड वॉच, वी हैव डन नथिंग। ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में क्या क्या मुद्दा था कुछ बता दीजिए इन लोगों को कि क्या क्या मुद्दा था। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में गवर्निंग काउंसिल का मिनट्स था बेसिकली रिपोर्टिंग आइटम में, तो हमने उस पर क्वेश्चन किए, वो कुछ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और ये प्रोफेसर एमेरिटस वगैरह वगैरह का अपॉइंटमेंट था, कब था ये हमें स्पष्ट किया गया कि ऐसा कुछ अभी है नहीं, बस ऑन पेपर। और दूसरा मैडम, दूसरा हमने से कहा कि अभी 21-22 में इसमें 200 करोड़ रुपए आने थे, जिसमें से सिर्फ 65 करोड़ रुपीज हमने सुना है कि आए हैं, और उसमें से भी 6 करोड़ रुपए जो है वो अनयूटिलाइज है अभी। उन्होंने कहा कि ऐसा वहां कोई काम नहीं हो रहा है अभी, अभी हम उस डिपार्टमेंट के थ्रू और डिपार्टमेंटों की मदद कर रहे हैं, इतना बताया बस। अच्छा, और बहुत इम्पोर्टेंट जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये सब इसी में आया था कॉलेज ऑफ आर्ट्स पे। कॉलेज ऑफ आर्ट्स पे जैसे हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पक्ष में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का बताया गया कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रोल पे अब कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। सीमा मैम, इसको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि कॉलेज ऑफ आर्ट को लेकर के जो हाईकोर्ट ने कहा था, कॉलेज ऑफ आर्ट पे